हाय, दिस इज दानिश साहिर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई असाइनमेंट बनाते प्रॉब्लम्स थी, काफी स्टूडेंट कहते थे कि उनको, क्योंकि आजकल आपको पता है लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स को काफी काम करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने एक ऐसा एक वीडियो बनाई है, लेक्चर बनाया, जिसमें आपको जो जो प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिलेटेड, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिले। तो चले आए वीडियो की तरफ, चलते हैं। चले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे असाइनमेंट्स करते हैं, एक जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, या शॉर्टली कैसे हम बना सकते हैं प्रोफेशनल असाइनमेंट, जो कि यूनि के स्टूडेंट्स, कॉलेज, सब लोगों के लिए, जो जॉबियंस हैं, सबके लिए ये बड़ा काम का ये ट्यूटोरियल है। तो इसको लाजमी एंड तक देखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेंगी। अच्छा जी, देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट है, चाहे आपके पास ऑफिस 2007 हो, 10 हो, 16 हो, 13 हो, एक ही चीज है नियर अबाउट ये। अच्छा, सबसे पहले हम तसल्ली से इसको, मैं आपको प्रोफेशनल ये एक चीजें बताऊंगा कि असाइनमेंट्स में क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे कैसे उस चीज को हम देखा, जब जो कि जितने भी हम असाइनमेंट्स बनाते हैं या मुख्तलिफ चीजें, हमारे इजीली ये सारी चीजें हल हो जाएं। देखिए, सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके, जब आपने अपनी किसी यूनि के लिए या कुछ भी असाइनमेंट को बनाना है, पेज लेआउट में आके पहले आपने मार्जिन्स सेट करने हैं। देखें, हर यूनिवर्सिटी का या कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली तो ये नॉर्मल पे ही रखते हैं मार्जिन्स। हमने मार्जिन्स को नॉर्मल कर लेना है, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर कोई नैरो या मॉडरेट या कुछ ऐसा हो, वो फिर रिक्वायरमेंट वो बता देते हैं, अदरवाइज इसको आपने नॉर्मल ही रखना है। नेक्स्ट हमारे पास, ये सबसे पहले हम पेज लेआउट की टैब में आएंगे, होम में अभी हमने काम नहीं शुरू किया। सबसे पहले पेज को सेट किया करें, जिससे हमारी मेन गलती होती है, आप पेज को कोई ना कोई साइज देते हैं, ना उसका मार्जिन सेट करते हैं, फिर वो हमसे टेक्स्ट की काफी प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे पहले हमने मार्जिन को नॉर्मल कर लिया है, ओरिएंटेशंस को पोर्ट्रेट करेंगे, ये लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप होता है मोस्टली सर्टिफिकेट वगैरह ऐसी चीजें बनाने के लिए, लेकिन इसको हम पोर्ट्रेट रखेंगे, जो कि एक सीधा पेज होता है। मार्जिन नॉर्मल, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, और साइज को आप हमेशा A4 साइज करेंगे, जो स्टैंडर्ड साइज है प्रिंटिंग के लिए, मुख्तलिफ चीजों में यही यूज होता है। अच्छा, ये तीन चीजें हमने पेज लेआउट में सेट कर लेनी है, मार्जिन नॉर्मल, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, और साइज हमेशा A4 साइज। अब आ जाते हैं हम होम की टैब में। अब हम इधर अपने असाइनमेंट को हमने स्टार्ट करना है। देखिए, अगर ऐसे आप अपने यूनि का लोगो भी या कोई भी ऐसी चीज लगाना हो, अगर हमने लोगो, तो हम इंसर्ट की टैब में जाएंगे, पिक्चर में क्लिक करेंगे। देखिए, डेस्कटॉप या जिधर भी आपका वो लोगो पड़ा हुआ है, हम फिलहाल ये अकेडमी का लगा लेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास लोगो आ गया है। इसका हम साइज छोटा कर सकते हैं, ठीक है, साइज हमने छोटा कर दिया, ये मूव नहीं हो रहा। अक्सर हम पिक्चर लगा लेते हैं लेकिन वो मूव नहीं हमसे होती वर्ड में, तो मूव अगर करना हो, राइट क्लिक करें उस पिक्चर पे, ये रैप टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर या टाइट किसी एक पे क्लिक कर देंगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको हम सेंटर में रख लेते हैं, ये हमने सेंटर में कर लिया। अगर इसकी रिक्वायरमेंट हो लोगो लगाने की, तो तब आप लगा सकते हैं लोगो। अब हम देखिए नीचे इधर शुरू करते हैं, हम इसको लेफ्ट पे क्लिक करके, देखिए सबसे पहले हम इसको नेम, स्टूडेंट नेम या कोई भी आप, ठीक है, अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं कुछ भी, मैं दानिश साहिर ही लिख लेता हूं। उसके बाद मैंने इंटर किया और रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये लिखी, एंटर किया। उसके बाद जी असाइनमेंट, इसका साइज मैं अभी बड़ा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको, अच्छा अभी मैंने टेक्स्ट का साइज बड़ा नहीं किया, अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, जो वर्ड का हमारा पेज जूम होगा, ये जो 100 है, जूम करने के लिए हमेशा आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है
और ये जो माउस का व्हील है देखें, इससे हमने ये जूम किया है, ठीक है, माउस का ये जो व्हील होता है इससे हमने इसको जूम किया है। जो स्पेलिंग गलत है राइट क्लिक करें, ये असाइनमेंट, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके वो चीज आप सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद असाइनमेंट हमारी हो गई, ठीक है, असाइनमेंट टॉपिक या कोई भी, इधर आप टॉपिक कुछ भी लिख लें, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख लिया, ठीक है, राइट क्लिक करें। अच्छा उसके बाद जी सबमिटेड टू कुछ भी लिख लेते हैं, सर दानिश हो गया। अच्छा जी डेट, ठीक है, डेट आप कोई भी डेट लिख लें, ठीक है, कोई भी ऐसे डेट हम लिख लेते हैं फिलहाल ऐसे। अच्छा जी अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम देखें यहाँ इसको, सबसे पहले तो इसको क्लिक करेंगे इधर, इसको हमने पेज के सेंटर में लेके जाना है, ठीक है, जूम में ये किया है, इसको क्लिक करके पेज के ये सेंटर में पैराग्राफ में आके इधर से सेंटर किया करें। अब इधर क्लिक करके इसको भी सेंटर कर दिया, ये सारी चीजें सेंटर में एडजस्ट किया करें, ठीक है, पेज के ये हमने सेंटर कर दिया, ठीक है, ये राइट क्लिक करें। ये जो ब्लू लाइन है हमेशा स्पेसिंग के लिए आता है और ऑरेंज लाइन हमेशा हमारे कोई स्पेलिंग गलत हो तो तब आता है, ठीक है, ये राइट क्लिक करके हम ये स्पेसिंग एडजस्ट इसकी कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको सिलेक्ट करें, साइज इसका थोड़ा सा आप इसका बढ़ा दें, ठीक है, इसको जी हम साइज इसका कर देते हैं 14 कर दें, ठीक है, 14 साइज। ये जूम अभी देखें पेज का मैंने 160 पे साइज है, अगर मैं पेज को कम करूंगा, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट आपको पता है 100 होता है, ठीक है, 100 पेज होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा ये पेज साइज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद टेक्स्ट साइज हमने 12 कर लिए, अब इसको बोल्ड कर लें, ठीक है, सिलेक्ट करके अगर आप इसको कैपिटल करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट F3 करें, इसका केस जो चेंज कर दें शिफ्ट F3 से, देखें ये कैपिटल होता है, देखिए सारे अब कैपिटल हो गए, अब ठीक है ये चेंज हो रहा है, शिफ्ट F3 प्रेस करते जाएंगे और उसके चेंज केस चेंज होता जाएगा। अभी देखें ये जूम करके आपको मैं दिखाता हूं, मैंने ये सारे कैपिटल कर लिए, तो ये काम हमने कर लिया है इतना। अभी हमने टाइटल वगैरह ये सारी चीजें लिख ली हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम देखें अब इंटर करते हैं, देखें इंटर करके जब मैंने इंटर किया तो ये फिर दोबारा सेंटर में ही मेरा कर्सर आ रहा है, ठीक है, इसको लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट करने से फिर ये दोबारा, हमेशा इधर से यूज किया, आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट कीज यूज किया करें, जितनी शॉर्टकट कीज आप यूज करेंगे उतना ही आप जल्दी काम करेंगे, कंट्रोल ई करने से ये सेंटर में होगा, कंट्रोल आर करने से राइट और कंट्रोल एल करने से ये लेफ्ट पे होगा, मीन्स इधर से भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन इसको आप शॉर्टकट की से यूज किया करें, ठीक है, इतनी चीज हमने बना ली। अब जी हमारा टॉपिक है, अगर हमने शुरू करना है अपने जो असाइनमेंट है ये, तो हमने नेम वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर इधर कुछ थोड़ी सी और ये चीजें लिख लेते हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख लिया, ठीक है, ये चीज। अच्छा अब अगर मैं टॉपिक इधर से शुरू करना चाह रहा हूं तो मैं इधर से भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है, आपने आपके जो असाइनमेंट है इधर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नया पेज लेना है तो आप नया पेज ले सकते हैं, आप इंसर्ट की टैब में जाके ये ब्लैंक पेज लिखा हुआ है, ठीक है, इधर से ले सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल इंटर, कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर किया करें तो देखिए न्यू पेज आ गया, ये भी हमने शॉर्टकट की से यूज किया है। अब इधर से हमने अपने असाइनमेंट को स्टार्ट करना है, देखें यहां तो आप खुद लिखेंगे या किसी भी जगह से हम कॉपी पेस्ट करते हैं, फिलहाल हम नेट से, मैंने विकिपीडिया की एक साइट से कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे डमी डाटा मैंने सर्च किया हुआ है, इधर से मैं राइट क्लिक इसको देखें, मैंने वेबसाइट से इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अच्छा अब ये कॉपी तो हमने कर लेना है, लेकिन जो हमारा आज का मेन चीज है, मैं कैसे हम फास्ट काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई असाइनमेंट बनाते हुए, उस चीज को हमने देखना है। अपने अपने फर्स्ट पेज तो हमने बना लिया है, अब मैं ये सजेस्ट करूंगा एक छोटी सी इस टिप पे हमेशा आपने वर्क करना है, आप जल्दी से हमेशा अपने असाइनमेंट्स को कर लिया करेंगे। देखें होम की टैब में ना आपको ये हेडिंग्स ये स्टाइल पड़े होते हैं, हम इनका
काम इनसे नहीं करते, हालांकि इनका काफी काम है। इसको यूज करके हम अपने काफी टेंशन इधर जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं या टाइम जाया होता है असाइनमेंट में करते हुए, वो मसले हम इसमें हल कर सकते हैं। अब देखें, ये है नॉर्मल टेक्स्ट लिए लिखा हुआ, ये नॉर्मल है, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या कोई भी, ठीक है। आगे हम हेडिंग्स बना सकते हैं, जितनी भी आप हेडिंग्स लेते रहे, 1 कर लें, 2 कर लें। नॉर्मल टेक्स्ट कहते हैं जो हेडिंग के बाद में जो नीचे होता है, डिटेल में जो टेक्स्ट होता है, उसे नॉर्मल कहते हैं। हेडिंग वो होती है जो हम हेडिंग्स देते हैं, जैसे हमारा कोई टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, वो हमारी हेडिंग हो गई। नीचे हमारी डिटेल है, वो हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट अभी इधर कॉपी नहीं करना, आपने ये दो चीजें जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपने बस इस पे अमल करना है। ऐसे आप असाइनमेंट्स किया करेंगे, आप अपनी यूनि की कोई भी असाइनमेंट्स या ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप इजीली इधर से काम कर सकते हैं। अब देखें, ये एक हमने ना एक फॉर्मेट बना के रख लेने हैं। सबसे पहले हम इस नॉर्मल पे राइट क्लिक करेंगे और ये मॉडिफाई पे आपने जाना है, ठीक है। मॉडिफाई पे जाएंगे, अब इधर से हम एक जैसे बाय डिफॉल्ट एक चीज बना के रख लेते हैं, हमने वो सेटिंग करनी है। सबसे फॉर्मेटिंग में ये चीज है लैंग्वेज, आप लैंग्वेज एरियल कर सकते हैं कोई भी एज पर रिक्वायरमेंट, इधर से आप अपनी कोई लैंग्वेज वगैरह लगा सकते हैं। एरियल करना है एरियल कर लें, मैं कैलिबरी अभी रहने देता हूं, और इसका साइज 12 कर लें, नॉर्मल टेक्स्ट का साइज, ठीक है। इधर इसकी सेटिंग 12 कर लें। नॉर्मल टेक्स्ट बोल्ड नहीं होता तो आपने इसको बोल्ड नहीं करना, ये चीजें हो गई। कलर इधर से आपने ब्लैक कर लें, ऑटोमेटिक मोस्टली ब्लैक होता है, ठीक है। जो ये टेक्स्ट होता है इसको आपने राइट पे ही रखना है, ठीक है, ये टेक्स्ट हमारा राइट पे ही रहेगा। या अगर इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि ये दोनों साइड से ऐसे जस्टिफाई हो, तो आप इस जस्टिफाई पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद है ये स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग आपने ये सेंटर वाले पे क्लिक करना है। ये वो सेटिंग्स हैं जिस पे मैं फास्ट काम करता हूँ और सब प्रोफेशनल्स करते हैं, आपने भी आप ऐसे ही करना है। एक दफा ये बना के रख लेना, फिर इसी पे ही आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। कैलिबरी 12 बोल्ड नहीं करना, आपने जस्टिफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन पे स्पेसिंग कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ये पॉइंट्स, हमने इसके पॉइंट्स सेट करने हैं स्पेसिंग के आफ्टर। इसको ये देखिए इधर 8 आ रहा है, हमेशा इसको आपने 6 रखना है। देखिए इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये इस पे क्लिक किया, ये 6 आ गया। बिफोर आफ्टर हमेशा इंडेंट आपने 6 रखना है, ठीक है। 6 रख के आपने जस्ट फॉर्मेट पे क्लिक करके ये फॉर्मेट में पैराग्राफ में भी आना है। इधर भी इसको आपने ये वह दो ऑप्शन करने के, आपने एक तो इसको 6, उसके बाद ये फॉर्मेट पे क्लिक करें पैराग्राफ, और इधर से भी स्पेसिंग को भी आपने, अब जब आप यूज करेंगे चेंज होगा, आपने दोनों को 6-6 करके ओके कर देना और ओके। ये हमारी नॉर्मल टेक्स्ट की सेटिंग्स देखें हो गई है। अब इसका आगे आपको पता चलेगा कि हमने क्या फायदा हमें होगा कि एक दफा हमने ये सेट कर लिया, इसका क्या फायदा अभी हमें होने वाला है। अभी फिलहाल हम इस हेडिंग्स को सेट कर रहे हैं। हेडिंग 2-1 पे क्लिक करें, ये नॉर्मल टेक्स्ट था, हेडिंग 1 पे राइट क्लिक किया, मॉडिफाई में आ जाए। वही चीजें आप कैलिबरी कर दें, जो हेडिंग का साइज होता है वो हेडिंग 1-16 साइज होता है, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर आपने ब्लैक रखना है, ठीक है। इसको आप सेंटर कर दें, जो हेडिंग्स को आप सेंटर करें, लेफ्ट करें, एज पर रिक्वायरमेंट आप जैसे भी सेटिंग कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको सेंटर कर दूंगा, ठीक है। ये स्पेसिंग भी सेंटर में, इंडेंट इसका भी दोनों में 6 कर देंगे, ठीक है। ये 6 ये आएगा, ये ठीक है, ये 6। अदरवाइज आप फॉर्मेट में जाके ये पैराग्राफ में आए, ठीक है, और ये दोनों को ये 6 कर दें, ठीक है। ओके किया, फिर ओके कर देंगे तो ये हमारी हेडिंग भी, हेडिंग जो 1 है वो भी सेट होगी। हेडिंग 2 पे राइट क्लिक करें, वो भी काम मॉडिफाई, ठीक है। ये वो अगर आपने हेडिंग्स बनानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा ये आप तीनों की सेटिंग करके रख लें, ठीक है। फिर आप ये 14 पे हेडिंग जो 2 होती है वो 14 उसका साइज होता है, ठीक है, बोल्ड होता है। उसके बाद कलर उसका ब्लैक। उसके बाद जी हमारे पास ये, आप इसको ये सेंटर कर दें, ठीक है। ये सेंटर लेफ्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको लेफ्ट रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। इंडेंट इसका भी ये 6 हम कर सकते हैं, नॉर्मल है, 6 है, कोई भी
फॉर्मेट में जाके इसको हम इधर से, ये देखिए 12 है, इधर से दोनों हम ये 6 कर देते हैं, ओके करेंगे तो ये भी हमारी देखिए हेडिंग 2 भी हो गई है एडजस्ट, ठीक है। 3 कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, आप अपनी मर्जी से हेडिंग्स बना सकते हैं, लेकिन आप 1 और 2 से भी बहुत काम ले सकते हैं। हमारी ज्यादातर हेडिंग 1 होती है, फिर 2, फिर नीचे वो करना पड़ता है, ज्यादातर टेक्स्ट नॉर्मल होता है। अच्छा जी, अब देखें वो जो हमने इधर से ये विकिपीडिया से या किसी भी जगह से डाटा को कॉपी करना है, या आपको कोई ऐसा टॉपिक मिला हुआ है जो आपने नेट से सर्च करके उसको ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक कॉपी, और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया, ये जस्ट डमी डाटा, आप देखो पहले पेज पे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं, इधर क्लिक करके आप एंटर एंटर करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर करना है, ठीक है, तो आप इधर से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप ये पहले पेज पे भी अपना काम कर सकते हैं, अगर दूसरे पेज पे करना है तो कंट्रोल एंटर करके आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने ये कुछ डाटा कॉपी की है, इसकी हम हेडिंग्स बना लेंगे, ये फर्स्ट करेंगे हेडिंग है, दूसरी हेडिंग हमारी ये है, ठीक है, ये डाटा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये चीज हेडिंग हो गई हमारी। आप जितने मर्जी पेजेस की असाइनमेंट बना सकते हैं, ये तो हम जस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा डाटा लिया हुआ है। अब देखें ये हमारी पहली हेडिंग है, तो इसको सिलेक्ट करें, हेडिंग 1 में जाएं, देखें ऑटोमेटिक साइज भी वो ही आ गया, बोल्ड भी हो गया, हर चीज सब कुछ देखें, वो जो हमने राइट क्लिक करके मॉडिफाई किया था उसका ये फायदा हुआ है। अच्छा, टेक्स्ट है हमारा, ये टेक्स्ट अब इसको सिलेक्ट करें, ये नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो हेडिंग के बाद होता है, इसको नॉर्मल 1 पे क्लिक करेंगे, देखें वो स्पेसिंग भी वैसी एडजस्ट हो गई है, डाटा भी जो हमने सेटिंग किया है इधर से मॉडिफाई भी हो गया है, देखिए सब कुछ, हमें कुछ भी नहीं, एक दफा हमने करके रख लिया है। अब इसको सिलेक्ट करें, अब इसको हेडिंग 1 कर दें, 2 कर दें, देखें 1 पे मैंने 16 साइज रखा हुआ है, ये चीज नोट करें, 16 है, बोल्ड है, टेक्स्ट है, ऑटोमेटिक हमें कुछ काम करने की बाद में जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट है तो मैंने नॉर्मल 1 पे ये क्लिक कर दूंगा, देखें उस हिसाब से सेट हो गया। अब इधर एक हेडिंग और बना लेते हैं, ठीक है, चलें ये हेडिंग है हमारी, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको हेडिंग 2 करता हूँ, देखें 2 पे ये देख रहे हैं 14 साइज हो गया है, क्योंकि मैंने 2 हेडिंग का 14 साइज रखा था, उस हिसाब से ये हो गया 14 साइज, ठीक है। दूसरी मेरी हेडिंग ये है, अब इसको भी फॉन्ट को, ये टेक्स्ट को मैं क्लिक कर सिलेक्ट करके नॉर्मल कर दूंगा, तो देखें उस हिसाब से एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करके हेडिंग 2 कर दूंगा या 1 कर दूंगा, दोबारा देखें वो 16 के हिसाब से हो गया, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा, इसको मैं सिलेक्ट करके नॉर्मल टेक्स्ट कर दूंगा, तो उस हिसाब से ये सेट हो गया, ठीक है। ये चीज है, आप ऐसे इस पे वर्किंग कर सकते हैं। अब फर्ज करें अगर आपने कोई पिक्चर लगानी है इसमें, वो आप लगा सकते हैं इस पे, या किसी भी जगह आपने इमेज लगाना है, इंसर्ट में जाएं, ये पिक्चर, और बाहर से आप कोई भी ये इधर से इमेज लगा सकते हैं, चाहे कोई लोगो लगा लें या कोई भी चीज, ये हम इसमें इमेज एक इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इस इमेज को इधर से हम साइज इसका छोटा कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट में, डॉक्यूमेंट्री में, किसी भी जगह ऐसे इमेज एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर इमेज एडजस्ट नहीं हो रहा तो हमेशा राइट क्लिक करें, रैप टेक्स्ट, इसको स्क्वेयर या टाइट पे क्लिक कर दें, स्क्वेयर पे करेंगे तो आप अपने हिसाब से ये देखें बड़ा प्रोफेशनली हम इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे अपने असाइनमेंट्स वगैरह में, ठीक है। ये चीज है। अब लास्ट में जो चीज होती है, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है काफी को, कि यूनी की जो रिक्वायरमेंट है कि 500 पेजेस की हमारी असाइनमेंट्स हो, 50 लाइन बनानी है, तो वो किधर से हमें पता चलेगा लाइन कितने पेजेस हो, कितने वर्ड हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे यूनी की खासकर ये रिक्वायरमेंट होती है कि 500 पेजेस या कोई भी वर्ड्स पे सिर्फ असाइनमेंट्स करनी है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमने वो किधर से पता करना है कि मेरी ये जो असाइनमेंट है कितने पेज की हो गई है, कितने वर्ड मैंने लिखे हैं, कितनी लाइनें। तो इसके लिए मैं पिक्चर को डिलीट करता हूँ। वैसे आप अपने असाइनमेंट्स को, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें, देखें रिव्यू की टैब में आपने आना है और ये पड़ा हुआ है वर्ड काउंट, इधर से पता चलता है, वर्ड काउंट पे क्लिक कर दें तो ये देखें बता रहा है जी पेजेस आपके 1 हैं, वर्ड इतने लिखे हुए हैं, करेक्टर आपके इतने हैं, ठीक है, विद स्पेसिंग इतने, हर उसने चीजें बता दी हैं।
पैराग्राफ इतने, लाइंस आपकी 15 हुई हैं, ठीक है। तो इधर से सारी समझ आप देख सकते हैं। इसको जैसे सिलेक्ट करें, रिव्यू की टैब में आए और काउंट, वर्ड काउंट पे क्लिक कर दें। देखिए इधर भी 12 लाइंस हैं, एक एक चीज उसने बताई है। तो ऐसे आप अपनी प्रोफेशनल असाइनमेंट्स अब इसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस करें, ठीक है। कंट्रोल एस, अगर आपने पीडीएफ में इसको फाइल को सेव करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, अगर आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में करना है तो वो भी। कंट्रोल एस करेंगे, अगर आपके पास ऑफिस 7 है या 10 है उसमें पीडीएफ तो नहीं बनेगी, ये पीडीएफ 2013 और 16 में बनती है डायरेक्टली। अच्छा, कंट्रोल एस करेंगे, ये ब्राउज के ऑप्शन में जाके पहले तो हमने ये वर्ड के जो फॉर्मेट से इसको सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा या जिधर भी आप इसको लोकेशन देंगे वो, ठीक है। और मैं जी दानिश असाइन के नाम से इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। आपने इसको सेव कर देना है, ये चीज इसको मैं सेव करूंगा। सेव एज टाइप, अगर आप वर्ड 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, इसका ये फायदा हुआ कि ये किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑफिस में ओपन हो जाएगी आपकी ये असाइनमेंट, चाहे उनके पास 13 है, 10 है, 7 है, कोई भी है। मैं ये सजेस्ट करूंगा सेव एज टाइप ये हमेशा चेंज कर लिया करें, वर्ड 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट्स। अब इसको सेव करें, देखें ये हमारे पास ये सेव हो गई होगी, ठीक है। ये सामने ये दानिश साइन के नाम से सेव हो गई है। अब अगर इधर ही मैंने इसको पीडीएफ की फाइल में सेव करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है, तो वही मेथड है। अगर मैं सेव में कंट्रोल एस में करूंगा तो वो उसी में ही सेव होगा। मतलब आपने वो अभी फिलहाल मैं सेव एस करूंगा, आपने कंट्रोल एस ही करना है, सेव ही करना है, तो फिर उधर से आपने चेंज करना है उसके फॉर्मेट को। फिलहाल अभी एक मैंने ये असाइनमेंट सेव कर ली हुई है, इसीलिए मुझे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन नहीं देगा। मैं सेव एस पे क्लिक किया, डेस्कटॉप वही दानिश असाइन, थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, पीडीएफ सेव नहीं करना, सेव एस टाइप अब की बार आपने इसको पीडीएफ करना है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी सेव एस टाइप पीडीएफ में इसको करना चाह रहे हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे तो अब देखिएगा, अब आपके इसको चाहे हम बंद भी कर देंगे या कुछ भी, ये पीडीएफ में हमारी ये फाइल ओपन होगी। देखें अभी मैं आपको क्लोज भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये दानिश ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास ये चीज पड़ी हुई है, डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें ये पीडीएफ में वो ही हमारी असाइनमेंट ओपन हो गई है जो हमने बनाई है अभी, ठीक है, ये सारी असाइनमेंट। तो ऐसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फास्ट वर्क कर सकते हैं असाइनमेंट्स में ये सारे टिप्स को यूज करके। मजीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये इस चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो प्रॉपर मेरे लेक्चर चल रहे हैं, होम, डिजाइन, इंसर्ट, पेज लेआउट, इन सारी टैब्स में से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उधर से आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप सबको मिलती रहें।